मेरी उम्र 30+ है और मैं अपने पिताजी को खो चुका हूँ। फैमिली प्रेशर के कारण मुझे शादी करनी पड़ी। मुझे मास्टरबेट करने की आदत है और अब मैं अपनी बीवी के साथ सेक्स करते वक्त नर्वस फील करता हूँ। मास्टरबेट करते वक्त इरेक्शन होता है लेकिन सॉफ्ट भी जल्दी हो जाता है, लेकिन जब वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ तो इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता और एजेकुलेट भी जल्दी हो जाता है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इस शख्स की जो परेशानी है वो वाकई में सिर्फ सेक्स नहीं परफॉर्म करने की नहीं है, इसके जो रूट कॉज है हमको वहाँ तक, उसकी जड़ तक जाना होगा। सबसे पहले इनके पिताजी की मृत्यु ने उनको दुखी कर दिया। इस दुख को हम ग्रीविंग कहते हैं, जो एक वर्ष तक हम इंसान को ग्रीव करने देते हैं। उस बीच में उनकी रियलिटी आ जाना चाहिए कि पिताजी अब लौट कर नहीं आएंगे। उसमें उन्होंने जो दूसरा कदम उठाया, बगैर यानी अपनी चॉइस से कंसेंट करके, जब फैमिली ने प्रेशर डाला तो उन्होंने शादी की। अब वो शादी करने के बाद अब उन पे फ़र्ज बनता है कि इस शादी को वो निभाएं। ये ना करें कि इस पत्नी से कहें कि मैंने तो आपसे सिर्फ प्रेशर में शादी की। इस वजह से क्या होगा, जो वाइफ को है एक दिल में रिजेक्शन सा आएगा कि यानी इनको मुझसे करनी नहीं थी, ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला है। तो जो एक दूसरे के लिए चाहत है, पैशन है, वो जो उभरना चाहिए उसके लिए उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी है। ऑर्गन तब रिलैक्स होगा और तब परफॉर्म करेगा जब आपका मन और आपकी सोच में रिलैक्स रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। आप कहते हैं कि आप पहले मैस्टरबेट करते थे और आप शायद उस मैस्टरबेशन से खुश भी थे, क्योंकि आप इतने वर्ष बगैर सेक्स के काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। जब आपने शादी की, आपको एकाएक वही ऑर्गन क्यों धोखा दे देगा? आपने उसे इस्तेमाल करना सीखा था तो अब उसका वाकई में जो सही इस्तेमाल है उसके उपयोग में आपको कहीं हिचकिचाहट है। और जब आप हिचक रहे हैं दिमागी तौर से, तो आपको प्री मेच्योर इजैक्युलेशन की तरह एकदम से आप बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं। आप इस बात को भी इकरार करते हैं कि मैं जब करता हूँ मैस्टरबेशन तो फिर भी कुछ हद तक परफॉर्म करता हूँ, मगर जब मैं बीवी से संबंध करता हूँ तो एक बिल्कुल उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं होता। तो कहीं जाकर आपको आपके दिमाग में जो नॉट्स है उनको खोलने होंगे। आपको उस वाइफ को पहले एक्सेप्ट करना होगा और उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि भाई मैं बहुत सी दिमागी परेशानियों में से गुजर रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। वो आपको गाइड कर सकती है किस चीज़ से उसको प्लेजर मिलता है, आप उसको बता सकते हैं कैसे आपको प्लेजर मिलता है। आप जो कहते हैं मैं क्विकली आता हूँ, तो क्विक इज़ हाउ क्विक, ऐसे कोई उसका मेजरमेंट होता नहीं है। अगर वाकई तौर में आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होता तो आप मैस्टरबेशन के वक्त खुद उस प्रॉब्लम को समझ जाते और इतने वर्ष आप नहीं रुकते। तो थोड़ा सा धैर्य करें, थोड़ा आप अपनी वाइफ के साथ वेल कोऑर्डिनेट करें एंड होपफुली आपकी इस ये तकलीफ दूर हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।